आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले पर हमारी स्पेशल कवरेज टेस्ट का टाइगर में आपका स्वागत है। ओवर टेस्ट का पहला दिन कंगारू बल्लेबाजों के नाम रहा तो दूसरे दिन कंगारू गेंदबाजों ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को ढेर कर दिया। ओवर टेस्ट टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो रहा है लेकिन फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया फिर से बेस्ट गेम दिखा करके इस टेस्ट में लौटेगी। अब से थोड़ी देर में लगभग 3 बजे ये मुकाबला शुरू होगा लेकिन टीम इंडिया की हालत काफी खराब दिख रही है और ऐसे में उम्मीद अभी भी बनी हुई है लेकिन फिलहाल तो खतरा फॉलो ऑन का मंडरा रहा है। फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर से मुकाबले में लौटेगी टीम इंडिया। टेस्ट के तीसरे दिन का खेल दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए। अजिंक्य रहाणे 29 और श्रीकर भरत 5 रन बनाकर डटे हुए हैं। साथ ही डटे हुए हैं हमारे दो सहयोगी कपिल वशिष्ठ और किरण चोपड़ा भी और इनसे हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार चूक हुई तो हुई कहां। कपिल सबसे पहले यह समझना चाहेंगे अगर बात की जाए इन खिलाड़ियों की, आपके पास मैं लौटूंगा, पहले एक बार अपने दर्शकों को यह बता दें कि कैसा हुआ है हाल टीम इंडिया के खिलाड़ियों का। जहां पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज चौकों की बारिश कर रहे थे वहीं भारतीय बल्लेबाज बहुत बुरी स्थिति में नजर आए हैं। ऐसे वहां डटे हुए ऐसी हालत में नजर आए हैं जैसे लग रहा हो कि कितनी भयानक पिच है। हम आपको सीधे लंदन लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगियों से जानने की भी कोशिश करेंगे लेकिन आज रोहित शर्मा की क्या रणनीति हो सकती है उस चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं कि दूसरे दिन क्या क्या हुआ, कैसे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों के सामने एक एक करके सरेंडर करते हुए दिखे हैं। आईपीएल में शतक पर शतक ठोकने वाले टेस्ट में शर्मनाक तरीके से बोल्ड हो गए। जिनको देखकर कंगारुओं की जान सूखती थी वो भी ओवल की उछाल लेती गेंदों को समझ नहीं पा रहे। And as you say it, that's exactly what happens. जिस मैदान में कंगारू बल्लेबाज ने बनाया 150 रन वहां हमारे कप्तान 15 रन पर पवेलियन लौट गए। जिस मैदान पर कंगारुओं ने जड़ा सैकड़ा वहां हमारे स्टार 14-14 रन बनाकर चलते बने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन जिस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ लगातार कहर बरपा रहे थे, लगातार भारतीय गेंदबाजों को निशाना बना रहे थे, उसी सेम पिच पर अगले ही दिन दूसरे ही दिन टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज पूरी तरह धराशायी नजर आए। ओवल में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया। 13-15-14-14 कंगारुओं की पहली पारी के 469 रनों के जवाब में ये भारतीय टॉप ऑर्डर के स्टार बल्लेबाजों का फिगर है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ इस प्रदर्शन के बाद मैच में जीत की उम्मीद बेईमानी। ओवल टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी ने बहुत निराश किया। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक सेशन में भारतीय बल्लेबाजी की कलाई खोल कर रख दी और ये बता दिया दरअसल कि इस ओवल टेस्ट का नतीजा क्या होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने निराश किया है। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ये आईपीएल अभी खेल कर आए थे, कमाल की पारियां इनकी देखने को मिली थी लेकिन टेस्ट क्रिकेट जिसे कैरेक्टर का टेस्ट कहा जाता है उसमें हमारे खिलाड़ी अब थोड़े से फेल दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं ओवल टेस्ट के दूसरे दिन किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने तू चल मैं आया की तर्ज पर विकेट फेंके। कप्तान रोहित शर्मा के साथ आईपीएल के ऑरेंज कैपधारी शुभमन गिल मैदान में उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने आईपीएल वाले अंदाज में ही चौकों के साथ पारी को आगे बढ़ाया। ये शुरुआत देखकर तो ओवल में मौजूद भारतीय फैंस और हिंदुस्तान में टीवी के सामने बैठे क्रिकेट प्रेमियों के दिल बाग बाग होने लगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट और T20 में फर्क है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की एक गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा LBW आउट। रोहित ने 26 बॉल खेली, 15 रन बनाए, 2 चौके मारे। भारत को छठे ओवर में रोहित शर्मा का सदमा लगा और 7वें ओवर में शुभमन गिल गेंद को जज नहीं कर पाए और बोलैंड ने उनको बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल जिस तरह बोल्ड हुए वो बताता है इंग्लैंड में जीतने के लिए यहाँ पर खेलने का अनुभव कितना जरूरी है। ओपनर्स की विदाई हो गई और लंबी पारी की उम्मीद लेकर अमेरिका और कनाडा से लंदन पहुंचे फैंस का दिल भी टूट गया। असली जिस तरीके से हमने बैटिंग की, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा का जिस तरीके से विकेट गए वो
टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इस लेवल पे आके आप इस तरीके से इन स्विंगर छोड़ रहे हैं और हम विकेट देते जा रहे हैं। हमें शुभमन गिल और कोहली और ऑब्वियसली रोहित शर्मा से काफी एक्सपेक्टेशन थी, बट यू नो इट डिडंट गो एज प्लान। अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाए, उस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया का डाउनफॉल रहा है। ओपनर्स के बाद भी उम्मीदें बाकी थी, क्योंकि इंग्लैंड के लिहाज से सबसे ज्यादा अनुभवी कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे शानदार रिकॉर्ड रखने वाले विराट कोहली मैदान पर मौजूद थे। दोनों ने पारी को जरा सा आगे बढ़ाया ही था कि चेतेश्वर पुजारा भी शुभमन गिल की राह पर चलते हुए ग्रीन की गेंद पर बोल्ड हो गए। पुजारा ने 25 गेंदें खेली, 14 रन बनाए और 2 चौके लगाए। विकेट गिर रहे थे लेकिन उम्मीद बाकी थी। अब उम्मीदें विराट कोहली से बाकी थी, लेकिन मिचेल स्टार की उठती गेंद पर कोहली ने बैट अड़ाया और सीधे स्मिथ के हाथ में गई। और इसी के साथ मैच में टीम इंडिया की उम्मीदें भी धुंधली होने लगी। विराट कोहली ने 31 बॉल खेली, 14 रन बनाए, विराट के बैट से भी 2 चौके निकले। भारतीय टॉप ऑर्डर के इस प्रदर्शन ने फैंस का दिल तोड़ दिया। ओवल टेस्ट में भारतीय टीम के लिए अब किसी चमत्कार की उम्मीद भी नहीं बची है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी के बाद आप जीतने की उम्मीद ना करें। दुनिया की नंबर एक रैंकिंग वाली टीम का स्कोर कार्ड अगर ऐसा दिखाई देगा 13-15, 14-14, तो फिर जीतने की उम्मीद करना बेमानी है। एक 15 मिनट के बादल की वजह से आपने बेहतरीन टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया। अगर जिगरा दिखाया होता बल्लेबाजी करने का तो कहानी शायद कुछ और होती। Z News.